सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कीजिए डेली ऑनलाइन में सेविंग करने के लिए। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का एड देखा होगा आपने टीवी में, जहां पे आप लोगों को बताया जा रहा था कि आप लोग डेबिट कार्ड से ईएमआई ले सकते हैं। तो हमारे अमेज़न भैया भी कहां पीछे रहने वाले, अमेज़न में ले आए हैं अमेज़न पे ईएमआई, जहां पे आप लोग डेबिट कार्ड से ईएमआई पे कुछ भी परचेस कर सकते हैं। और उसका मिनिमम वैल्यू ईएमआई में यदि परचेस करना है तो 8,000 से ज्यादा होना चाहिए और बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन भी है। और कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो सब भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना जो अमेज़न का अकाउंट है फोन में आप लोग ऑन कर लीजिएगा, फिर लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट्स सब है वहां पे आप लोगों को क्लिक करना है और फिर अमेज़न पे में क्लिक करना है। और ये जो अभी ऑफर जो अमेज़न पे ईएमआई का आया है वो सारे फोन के लिए नहीं आया है, माने सारे यूजर के लिए फिलहाल नहीं आया है क्योंकि अभी डेवलपिंग फेज में है और अभी एनरोल नहीं किया है सबके लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के ऐप में ना दिखाए, मेरे ऐप में दिखा रहा है इसलिए मैं आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन बता दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के ऐप में ना दिखा रहा हो, तो इससे घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन के अंदर सबके ऐप में अपडेट आ जाएगा, सबके अकाउंट में ये वाला फीचर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इंट्रोड्यूसिंग अमेज़न पे ईएमआई, गेट इंस्टेंट क्रेडिट, हैसल फ्री, पे फॉर योर शॉपिंग इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट का कितना का मिल सकता है, अप टू 60,000 का मिल सकता है, हैसल फ्री है। आप लोगों को क्या क्या चाहिए क्रेडिट लेने के लिए, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी होने से होगा। और ये जो क्रेडिट है वो 60 सेकंड के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, बस कुछ प्रोसेस है वो सब करना पड़ेगा। नो हिडन चार्जेस लिखा हुआ है, नो प्रोसेसिंग फीस है, नो कैंसिलेशन चार्जेस है, फिर रजिस्टर नाउ यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। और फिलहाल और यहाँ पे देखिए क्या सब है, फैसिलिटी वगैरह वगैरह है। और यहाँ पे थिंग्स टू नो में है, अमेज़न पे ईएमआई फीचर इज ओनली अवेलेबल ऑन मोबाइल फॉर नाउ, ये मोबाइल यूजर के लिए अभी मिल रहा है, बाद में जाके डेस्कटॉप यूजर वगैरह वगैरह यूजर अदर यूजर लोग के लिए मिल जाएगा, फिलहाल मोबाइल यूजर के लिए ही है। अमेज़न पे ईएमआई इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल आइटम परचेस, माने एक ही आइटम आप लोग खरीद सकते हैं, माने आप लोग समझिए बल्क में कुछ खरीदना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, एक ही आइटम पे एप्लीकेबल होगा। अमेज़न पे ईएमआई इज अवेलेबल ओनली फॉर परचेस अबव 8,000 से आप लोगों को ज्यादा का परचेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एक साबुन खरीद रहे हैं या कुछ ग्रोसरी खरीद रहे हैं और उस पर आप लोग इंस्टॉलमेंट करवा ले रहे हैं, 10 रुपए का इंस्टॉलमेंट 6 महीना में दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, 8,000 का मिनिमम परचेस कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, अमेज़न पे ईएमआई इज नॉट एप्लीकेबल फॉर परचेस विथ एक्सचेंज ऑफर, यदि कुछ प्रोडक्ट को आप लोग एक्सचेंज करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को अमेज़न पे का ईएमआई ऑफर एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये किसके साथ टाइप करके आ रहा है, ये कैपिटल फ्लो करके कंपनी है उसके साथ टाइप करके अमेज़न पे का ईएमआई फीचर तो लिया जा रहा है। पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, सिटी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब यदि आप लोग का अकाउंट रहेगा इस सब में तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और अभी तक ये एनरोल नहीं हुआ है, जल्दी एनरोल हो जाएगा, तब तक लिए आप लोग रजिस्टर करके रख सकते हैं यदि आप लोगों को चाहिए तो। तो रजिस्टर करने के लिए आप लोग यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या आता है फिलअप करने के लिए, वो सब में आप लोग फिलअप कर सकते हैं। देख पैन कार्ड आधार कार्ड आप लोग देना पड़ेगा या वोटर आईडी कार्ड होगा तो वो दे सकते हैं, और देखिए आई एग्री करके आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग अभी मेरे को चाहिए नहीं कुछ ईएमआई में, इसलिए मैं अभी फिलअप नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को अभी चाहिए तो आप लोग ये फिलअप करके जब पेमेंट करने का कोई ऑप्शन आएगा जो परचेस करना रहेगा वहाँ पे आप लोग ईएमआई का ऑप्शन चेक करके, मैंने अमेज़न पे ईएमआई का ऑप्शन क्लिक करके वहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो इतना इजीली आप लोग के लिए डेबिट कार्ड से ले आया गया है अमेज़न की तरफ से, तो फ्लिपकार्ट तो था ही अब अमेज़न भी इंक्लूड हो गया है, इसे भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं।